मुंबई के मीरा रोड नया नगर परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक व्यक्ति के ठेले को पलट देते हैं, उसका सारा सामान बिखर जाता है। जिसका ठेला है वह मिन्नत करता है, सामान बिखरने के बाद ठेले पर बैठ जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे अलग कर देते हैं। इसके बाद दो लोग हथौड़े से ठेले को तोड़ देते हैं। वे तब तक हथौड़ा चलाते हैं जब तक ठेला पूरी तरह टूट नहीं जाता। उस समय वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। नाराजगी जता रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद मीरा रोड के ही कुछ युवक मदद के लिए आगे आए हैं। इस मामले में मीरा भायंदर महानगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हसनाले ने एबीपी मांझा से बातचीत में कहा, प्रशासन ने जो इस तरह की कार्रवाई की है वह बहुत खेदजनक है। उस एरिया में फेरी वाले नहीं होने चाहिए, ऐसा नियम कानून है, लेकिन ये तरीका गलत है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आमतौर पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो गाड़ी को जब्त किया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इनमें से कुछ लोग बीएमसी के कर्मचारी नहीं है, उन्हें ठेके पर रखा गया है। इस मामले में जवाब मांगा गया है। कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कोविड के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ये एक्शन हुआ है। वीडियो में जिस व्यक्ति का ठेला तोड़ा जा रहा है उनका नाम अमीन मालवीय है। वे ठेला लगाकर अपना गुजारा करते हैं। अमीन नाला सुपारा से मीरा रोड रोज आते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने उस जगह ठेला लगाया था जहां इसकी इजाजत नहीं थी, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मितेश गुप्ता नाम के व्यक्ति ने सामान देकर अमीन की मदद की। उन्होंने द लल्ला टॉप को फोन पर बताया, हाथगाड़ी तोड़कर बहुत गलत हुआ, हम अंकल को हाथगाड़ी देने वाले थे, लेकिन अभिनव यादव जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हाथगाड़ी दे दी और हमने सामान दे दिया ताकि वो फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सके। 26 साल के मितेश गुप्ता ने अपने बारे में बताया कि वे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे। कोविड की वजह से जॉब चली गई, इसके बाद उन्होंने स्नैक्स बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में वो भी बंद हो गया। इसके बाद मितेश ने दोस्तों के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना बांटना शुरू किया। मितेश की माने तो उनके और उनके दोस्तों ने 8,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।